मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी मध्य प्रदेश की बेरोजगारी चरम सीमा पर है, तो जो 600 वैकेंसी थी उसमें एमपी का कुछ नहीं होने वाला है। कम से कम जो वैकेंसी अभी आई थी वो निरस्त हो, उसके बाद उसमें जो बच्चे घोटाला किए हैं, जो पेपर लीक हुआ उस पर कड़ी कार्रवाई हो, सीबीआई जांच हो और कम से कम 2000 वैकेंसी निकाली जाए, तब उसमें हमारे मध्य प्रदेश के बच्चों का सही लाभ होगा। आज ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कृषि संकाय के छात्रों के द्वारा ग्रामोदय विश्वविद्यालय के गेट पे व्यापम कृषि घोटाले के विरुद्ध में मामा सरकार शिवराज सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। आइए इस प्रदर्शन के बारे में जानते हैं कृषि छात्र से। जी सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम गोविंद सिंह भगत है और मैं महात्मा गांधी चितपुर ग्रामोदय विश्वविद्यालय में एमएससी एजी एग्रोनॉमी के सेकंड ईयर का छात्र हूं। जी, और हम यहां पर आज सभी कृषि छात्र 5 मामा जी के जन्मदिन पर व्यापम घोटाले में जो 10-11 फरवरी को कृषि भर्ती में एसएडी और आरईओ की जो भर्ती हुई थी उसमें जो व्यापम के घोटाला किया गया है, उसमें एक ही जिले के और एक ही कॉलेज के छात्रों ने आज तक रिकॉर्ड तोड़ नंबर लाए हैं, जो कि नंबर लाना असंभव है। हमारे कॉलेज के भी छात्र जो कि यहाँ पर गोल्ड मेडल लिस्ट रहे हैं, उनके द्वारा भी वो नंबर प्राप्त करने में असंभव रहे हैं और ये असंभव से नंबर कहीं ना कहीं घोटाला का प्रमाण है। जी सर, ये कहाँ किस छात्र थे, किस कॉलेज के छात्र थे जो ये सभी ग्वालियर आरएसकेवी के छात्र थे और सभी भिंड मुरैना जिले से संबंधित हैं। जी सर, वो क्या यूनिवर्सिटी में टॉपर रहे हैं? बिल्कुल टॉपर नहीं रहे हैं, अगर उनका कॉलेज का रिकॉर्ड देखा जाए, बीएससी जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोफेशनल डिग्री है और 4 साल में पूर्ण होता है, परंतु इनका कॉलेज का रिकॉर्ड इतना खराब है कि इन्होंने सभी ने 5 से 6 साल या 4 साल से ऊपर में ही डिग्री प्राप्त किया है। अगर ये पढ़ने में इतने अच्छे होते तो ये अपना कृषि का जो कोर्स है वो 4 साल में कंप्लीट कर चुके होते, लेकिन इन्होंने अपनी डिग्री बैक पर बैक देते हुए कंप्लीट की है। इस प्रकार इनके इतने नंबर लाना असंभव सा लगता है और कहीं ना कहीं व्यापम द्वारा घोटाले का सबूत प्राप्त होता है। तो आप सरकार से क्या मांग चाहते हैं? सरकार से हमारी यही मांग है कि इस भर्ती को निरस्त करके कृषि के जो छात्रों के लिए 2000 पदों के साथ पूरा भर्ती को जल्द से जल्द सुव्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से आयोजित की जाए। जी, और सर इसमें और कुछ कहना चाहेंगे कि और क्या और मांग है आपकी हमारी सरकार से यही मांग है कि कृषि छात्र बहुत मेहनत करते हैं, गरीब परिवारों से आए, किसान परिवारों से आए, हमारे माता पिता सभी किसान हैं और हम कृषि छात्र हैं और हमारे साथ इस प्रकार का अन्याय ना हो। हम लोग इतनी मेहनत करने के बाद इन घोटालों की वजह से नौकरियां नहीं पा रहे हैं और कृषि में 7-8 साल से आरईओ और एसएडीओ की भर्ती नहीं आई है, जिससे छात्र लगातार इकट्ठा होते जा रहे हैं और दिन ब दिन एग्रीकल्चर में बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। जी, और आपका ये मटका बजाने का कार्यक्रम क्या था? हमारा मटका बजाने का कार्यक्रम ये है कि मामा जी के जन्मदिन पर हम मामा जी के जन्मदिन को मटका बजाओ कार्यक्रम के रूप में क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं कि मामा जी जागिए और आपके भांजों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, भांजों के साथ जो न्याय नहीं हो रहा है, उसके न्याय के लिए आप जागिए और हमारी इस परीक्षा को पुनः से सुव्यवस्थित और 2000 पदों के साथ फिर से संचालित कीजिए। तो क्या ये मटका बजाने का कार्यक्रम क्या पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है? पूरे मध्य प्रदेश के सभी कृषि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के सभी कृषि छात्रों के द्वारा यह किया जा रहा है और मामा जी को इस बात का हम ये संदेश देना चाहते हैं कि मामा जी आपके भांजों के साथ अन्याय हो रहा है, आप कृपया इस पर विशेष ध्यान दें और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। फोटो ले सकते हैं। चंचले सदन से की खास रिपोर्ट, आपने अभी कृषि छात्रों का आक्रोश देखा। इसी प्रकार पूरे मध्य प्रदेश कृषि छात्रों में जबरदस्त आक्रोश मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो 10 और 11 फरवरी को जो मध्य प्रदेश सरकार में भर्ती हुई थी उसमें घोटाले पाया गया और इसी के विरुद्ध में पूरे मध्य प्रदेश के कृषि छात्रों के द्वारा आज 5:05 पर पूरे मध्य प्रदेश में बजाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। धन्यवाद।